वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, एरियल सर्वे, हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए थे वहाँ पर, इसके अलावा कुछ ट्रबल मेकर्स को भी चिन्हित किया गया, उन्हें भी हिदायतें दी गई हैं। इस तरह से पूरा एक हम लोगों का सिक्योरिटी प्लान जो है वो रेडी है। जनपद को 6 जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है, लगभग 6 सुपर जोन में बांटा गया है, 14 जोन में बांटा गया, 98 सेक्टर्स में बांटा गया है, 240 सब सेक्टर में बांटा गया है। इसी हिसाब से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। सर, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को भी जो गठित किया गया है, वायरलेस को लोगों को एक्टिव कर दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर स्कीम से उनको वाकिफ किया गया है, जो कंट्रोल रूम के लिए अलग से नंबर भी एक जारी किया है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में कई विभाग के लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे वो नगर निगम हो या हेल्थ हो, PWD हो, पुलिस के साथ साथ रेलवे के लोग भी वहाँ पर बैठेंगे। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम 24/7 हम लोगों का एक्टिव है और पब्लिक उसमें कोई भी सूचना हो त्वरित दे सकती है। सर, जो व्यूमर्स प्रोपेगेट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या? सोशल मीडिया के लिए एक मॉनिटरिंग सेल अलग से है, जिसमें लोग अपना हमारे पुलिस के कर्मी उसमें निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। यदि कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कोई बात होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए टीम को भेज दिया जाता है। जैसे कि अयोध्या का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, तो उसके लिए